ओम शांति। शिव बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। हमारे मन को, हमारी बुद्धि को और हमारे संस्कारों को पूरा स्वच्छ करने, उन्हें मूल स्थिति पर ले जाने के लिए हमें ज्ञान दे रहे हैं। हम पहचानते चलें स्वयं को और अपने मन को निर्मल करते चलें, बुद्धि को स्वच्छ और सद्विवेक से भरपूर करते चलें और अपने संस्कारों को बड़ा सुखदायी, बहुत पवित्र और जैसे हमारे संस्कार सतयुग में थे वैसे ही बनाते चलें। कईयों के संस्कार उनको बहुत परेशान करते हैं। किसी में काम का संस्कार बहुत होता है तो विषय विकारों के बिना रह ही नहीं पाते। किसी में क्रोध करने का संस्कार होता है, छोटी-छोटी बातों में भी क्रोध करते रहते हैं। किसी में रूसने का संस्कार होता है, किसी में जिद करने का संस्कार होता है, किसी में दुखी रहने का संस्कार होता है, किसी में कड़वे वचन बोलने का संस्कार होता है, दूसरों को देखने का संस्कार, सदा दूसरों के बारे में सोचने का संस्कार यानी परचिंतन का संस्कार, ये सब संस्कार अब हमें बदलने हैं। हमारे संस्कार तो बहुत डिवाइन हैं। याद करें अपने उस सुंदर स्वरूप को, सतयुगी स्वरूप को, याद करें अपने पूज्य स्वरूप को, जिसमें हम दाता हैं, जिसमें किसी से कुछ भी लेने की इच्छा हमारे पास नहीं है, केवल देने वाले हैं। कईयों में मांगने के संस्कार होते हैं, मान शान के पीछे भागने के संस्कार होते हैं। वे कोई भी कर्म तभी करते हैं जब वहां से मान मिलता हो, यदि मान नहीं मिलता तो वो उस सेवा को छोड़ देते हैं। इन सब संस्कारों का हमें संपूर्ण रूप से त्याग करना है तो अपना एक संपूर्ण स्वरूप अपने सामने इमर्ज करें, अपने से कुछ दूरी पर एक चित्र बना ले अपना, ये है मेरा संपूर्ण स्वरूप जिसमें मेरे संस्कार संपूर्ण सुखदायी। विदेही स्थिति के संस्कार संपूर्ण पावन और निर्मल, बिल्कुल निश्चिंत, जिसमें कोई मैल नहीं, जिसे कोई चिंताएं नहीं, जो बहुत लाइट हैं, हल्के रहने के संस्कार हैं। ऐसा अपना स्वरूप सामने बनाएं और संकल्प दें, मेरे संस्कार तो ये हैं, ये वर्तमान संस्कार मेरे संस्कार नहीं हैं। बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक विधि है अपने को ट्रेंड करने की कि जो हमारे वर्तमान संस्कार हैं, जिनके कारण हम अपने संगठनों में, अपने परिवारों में या सेवाओं में सफल नहीं हो पाते, शांतिमय वातावरण नहीं रख पाते, उन संस्कारों के लिए हम रोज कम से कम 5 बार ये फीलिंग दिया करें, ये मेरे संस्कार नहीं हैं, ये तो रावण के संस्कार हैं। इन पराये संस्कारों को मैंने अपना कैसे मान लिया, मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरे अंदर बहुत फीलिंग का संस्कार है, ये संस्कार मेरे अंदर है ही नहीं, ये तो मायावी संस्कार है, मेरे संस्कार तो ये हैं जो सामने खड़े हैं। ऐसे अपने स्वरूप को देखते हुए अपने को जब बार बार पावरफुल स्मृति दिलाएंगे, मेरे संस्कार ये नहीं ये हैं, तो संस्कार बदलते जाएंगे। जो गलत संस्कार हमारे अंदर आ गए हैं क्योंकि हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये मेरे नहीं हैं, तो मेरा साथ छोड़कर चले जाएंगे। और जिन्हें हम एक्सेप्ट कर लेंगे ये संस्कार मेरे हैं, वे संस्कार पुनः पुनः हमारे अंदर भरते जाएंगे। तो आज सारा दिन अपने दिव्य संस्कारों को देखेंगे, विशेष रूप से अपने भविष्य स्वरूप के नशे में रहेंगे। मेरा स्वरूप
तो ये है, अपने देव स्वरूप को बार बार इमर्ज करेंगे और बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे कि बाबा आप हमें इतना बड़ा भाग्य देते हो, हमारे सोए हुए भाग्य को जगाते हो। आज बाबा से बातें करते रहेंगे, उसे थैंक्स देते रहेंगे और महसूस करेंगे कि बाबा सर्वशक्तिवान तो हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ओम शांति।